आसुन तुम्हारी दूसरी बच्ची तुम्हारी बेटी मेरे पास है। मेरी बच्ची मेरी दूसरी बेटी आपके पास? हाँ सुनैन, तुम्हारी अमानत मेरे पास है। अब तो चलो मेरे साथ, सब बहुत खुश होंगे। सुनैन चलो। और फिर मैं इन्हें यहां ले आई तुमसे मिला। कंचन तुम्हें पता है तुम्हारी एक बहन है, तुम्हारी जुड़वा बहन। जानते हो कौन है? नियति। अच्छा नियति, नियति मेरी बहन है। हाँ कंचन, नियति तुम्हारी बहन है, जुड़वा बहन। कि नियति को सुमति ने नहीं सुनैना ने जन्म दिया। सुनैना तुम नियति से जल्दी मिल लो, इस वक्त वो थोड़ी परेशान है और थोड़ी अकेली। क्या हुआ उसे? सब कुछ बताता हूँ सुनैना, मैं चाहता हूं कि अभी आप दोनों घर चलो। कंचन तुम तैयार हो जाओ। कंचन मैं जानता हूं कंचन कि खन्ना परिवार को लेकर तुम्हें नाराज किए, कड़वाहट है, लेकिन मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। एक मौका दो, और आखिरकार हम सब परिवार ही हैं। कंचन चले। अक्षर तुम इस वक्त खुली हवा में सांस इसलिए ले रहे हो क्योंकि तुम मेरे दोस्त जय किशन के बेटे हो, वरना नियति को बहकाने के लिए तुम इस वक्त जेल में होते। क्यों बुलाया मुझे? हाँ वो अंकल, मुझे उस दिन की गलती के लिए आपसे सॉरी बोलना था। तुमने मुझे इतने दूर यहाँ मंदिर के बाहर से सॉरी कहने के लिए बुलाया? अंकल जलसा के बाहर आने की मेरी हिम्मत नहीं थी, और अपनी गलती के लिए मुझे भगवान से माफी मांगने मंदिर तो आना ही था, इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप भी मंदिर आ जाए। कहीं और बुलाता तो आप शायद नाराज हो जाते, इसलिए मुझे लगा कि मंदिर में भगवान के सामने बुलाऊंगा तो शायद आप मुझे माफ कर दें। माफी तो तुझे मिलेगी नहीं अक्षत, तूने जो इस ढोंगी के साथ मिलकर किया है वो मैं कभी भुला नहीं सकता। और हाँ ये जानते हुए कि मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, तुमने मुझे यहां बुलाकर सही नहीं किया। दोबारा जलसा के बाहर दिखना भी मत। सुने ना, नियति खुश हो जाएगी, जो वो चाहती थी वो हो गया। काम करता हूं नियति को कॉल करके बताता। मेरी छोटी बहू, लोगों ने कैसी अफवाह उड़ाई थी कि तू हम लोगों को छोड़कर चली गई, लेकिन मेरा कहता था
जरूर वापस आई। आज भगवान ने मेरी सुन ली। मेरी पोती, मेरी आंखों के सामने थी। और तुझे पता है चल, तू इस घर की बच्ची है, इसलिए तुझे यहां तो आना ही था। क्या लेंगे आप लोग? चाय, पानी। कुछ नहीं था, बस आपका शुक्रिया अदा करना चाहती। आपने मेरी बच्ची को मां का प्यार दिया, अपने आंचल में उसकी परवरिश की, सब कुछ तो दे दिया आपने, और आपसे क्या मांग? कहाँ है वो? उसे देखने के लिए, गले लगाने के लिए तरस रही हूं। ऊपर अपने कमरे में। कंचन, तुम जाओ और यति को लेकर। चाबी के बिना दरवाजा कैसे खोलोगे? नियति के कमरे पर ताला लगा हुआ है। सुने ना, मैं समझाता हूं तुम्हें सब। कंचन तुम जाओ ना। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? तुम मुझे लेने आई हो? तुम यहाँ रूम में बंद पड़ी हो और तुम्हें सब पता है कि नीचे क्या हो रहा है? ऑफ कोर्स कंचन, इतनी तो खबर रखती हूँ मैं। और वैसे भी मेरी फैमिली का बुरा चाहने वाले लोगों से एक कदम आगे तो रहना ही चाहिए ना मुझे। ओह, तो तुम्हें लगता है तुम मेरे से एक कदम आगे हो नियति? नॉट एट ऑल नियति, बहुत बहुत पीछे हो तुम। और अब तो बहुत दूर भी जाने वाली हो। भूल गई तू? आज की रात तुम्हारी आखिरी रात है। अपनी आंखों से मरते हुए देखना चाहती हूँ मैं। अपनी मौत
मैंने खुद चुनी है कंचन, अपनी फैमिली को बचाने के लिए। इसीलिए पापा और सुनैना जी को मिलवा, ये मेरा प्लान था कंचन, ना कि किसी इत्तेफाक ने उन्हें मिलवा, वो भी अक्षत की मदद से। हर प्लान कामयाब नहीं होता नहीं थी, और तुम्हारा ये प्लान तो कभी नहीं। तुम्हें क्या लगता है मुझे यहाँ बुला के तुम्हें क्या मिलेगा? सच्चाई तो नहीं बदल सकती ना तुम नियति, कि आज रात तुम मरने वाली हो और आज भी उस सीक्रेट जगह पे तंत्र जिंदा है, और वो तन धीरे धीरे तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देगा। ऐसा कभी नहीं होगा कंचन, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों के सामने उस जगह को ढूंढूं और फिर तुम्हारी और सौदामिनी की असलियत सबके सामने आ जाएगी। तुम ये कभी साबित नहीं कर पाओगे नियत, और ये मेरा चैलेंज है। ओके, देखते हैं। कार्तिक भैया, आप एक्चुअली हम चैलेंज कर रहे थे कि रात को पार्टी में सबसे ज्यादा अच्छा डांस कौन करेगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अब तुम नीचे चलो। ये लो, नियति आ गई।